आज वो गाना भी गाकर सुनाएंगी कि सचिन के लिए कौन सा गाना गाती हैं। गाना आवाज अच्छी नहीं है, कोई हंसे नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम गा रही हूँ। सभी इनके लिए सब कुछ कर लूंगी, कोई हंसता है तो हंसने दो। कौन सा गाना गाएंगी आज? जो मेरा फेवरेट है वही गाऊंगी, मुझे पकड़ लेती हूँ। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए पक गया मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी ते राता लंबिया लंबिया। उल जा मुझे परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। बहुत बढ़िया गाना। देखिए ये गाना गदर फिल्म का था और यहाँ पर सीमा ने सचिन के लिए गाया और फेवरेट भी रहा है ये कह रही है। और सचिन आपने कौन सा गाना आप बताओ, क्योंकि ये भी एक चैलेंज है ना। मुझ पे गाना? नहीं गाना? कौन सा गाना? मुझ पे नहीं आता गाना। नहीं, कुछ गाना तो सुनाते थे आप भी, ये सीमा ने कहा है पहले। गाले थोड़ा सा उल्टा सीधे चलता रहेगा, है ना? चल भाई गाला। डावर अम्मा तेल छोड़े पैरों लव लीला दूंगा, ना धो के तू खूब लगाइयो तेरी मौज करा दूंगा। तो यही गाना, यही गाना। देखिए ये अलग तरीके की बिल्कुल यहाँ पर ट्रेंड है। सीमा आप कैसा लग रहा है, घर में आकर आपने रसोई संभाली या नहीं संभाली है? थोड़ा सा कभी सुबह की चाय बना लेती हूँ, बाकी मम्मी काम नहीं करने देती, वो जबरदस्ती सुबह की चाय कह रही तुम थक जाती हो मीडिया में रह रह के। तो कभी कभी सुबह की चाय बनाई है, अब जब मीडिया वाले हटेंगे कुछ दिन तो फिर खाना वाना बनाऊंगी। मेरी खुद इच्छा थी कि मैं खाना बनाऊं मम्मी पापा के लिए, इनके लिए। जब ये वीडियो कॉल में ये घर दिखाते थे तो मैं इनसे कहती थी कब वो दिन आएगा जब मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे किचन में तुम्हारा काम करूंगी। मुझे खुद इच्छा थी मेरी कि इनके लिए मैं करूं, तो करूंगी। अभी तो नहीं नहीं हूं सर, आहिस्ता आहिस्ता। सचिन चार बच्चे भी अब आपके जिस तरह से हैं, तो कैसे आगे की परवरिश करोगे, क्योंकि काम का बोझ भी बढ़ जाएगा? जी सर, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा कमाने की, जितने अच्छे से अच्छे रखने की कोशिश करूंगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और इसे भी अच्छे रहन सहन करेंगे, इसका भी घर वालों का भी, यानी कि अच्छे से अच्छा रहेंगे सही में। अच्छे अब पाकिस्तान से नाता टूट गया, बिल्कुल टूट गया। आप देख नहीं रहे मीडिया में, पाकिस्तान लोग गाले दे रहे हैं मुझे कि पाकिस्तान आने की कोई जरूरत नहीं, आए तो जूतों से मार मार के मार देंगे इसको, कोई अगर थप्पड़ों से मार देंगे, कोई कह रहे गला काट देंगे, कोई कह रहे फांसी लगा देंगे। आप देखते होंगे, हम तो कम ही देख रहे हैं क्योंकि हम पे फोन वोन नहीं है। तो अब मेरे पाकिस्तान से कोई नाता है भी नहीं, और मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रही सर, जो सच है जो मैंने देखा है मैंने वही कहा है। पाकिस्तानी ऐसा मत सोचें कि मैं उनकी बुराई कर रही हूँ, मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, समझो वहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू हूँ। तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं, कोई भी बेटी अपने पेके के बारे में गलत नहीं बोलेगी। अब वो मेरा पेका हो गया, ये मेरा मेका हो गया, तो मैं मतलब ससुराल हो गया सॉरी, तो मैं गलत नहीं बोलूंगी दोनों देशों के बारे में। तो फिर भी लोग कह रहे हैं, लोग ये झूठ फैला रही सीमा पाकिस्तान के बारे में गलत बोल रही, मैं गलत नहीं बोल रही। मैं वहाँ के जो लोग हैं जहाँ गलत होता है मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। जैसे आपने देखा कि मुंबई की वीडियो बनाई है बंदूकें पकड़ के, क्या वो अच्छे लोग हैं? मैं उन्हीं के बारे में कहती हूँ कि जाओ वहाँ देखो क्या क्या चल रहा है।